हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आपको लग रहा होगा कि इतने टाइम से इसके ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी बीच में, तो जिस कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। तो आज हम आए हैं रिवाल सर, तो आज प्लान बना हमारा रिवाल सर जीने का। तो मेरे साथ आए हैं मिस्टर पूरब और मिस्टर सुनील, और ये कैमरा मैन मिस्टर राहुल। और आज हमने प्लान बनाया कि आज रिवाल सर घूमने जाएंगे, तो हम पहुँच चुके हैं ये रिवाल्सल। जो लेक देख सकते इतनी खूबसूरत है, और यहाँ ऊपर एक मूर्ति भी है, मूर्ति, और यहाँ पर मंदिर भी है, और यहाँ पर गुरुद्वारा भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर तीन धर्मों की आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, और दिखाएंगे आपको धीरे धीरे सभी बारी बारी करके। गाइज, इन बंदों को भी भूख लगी है, बोले पहले पराठा खा लेते, तो उसके बाद घूमेंगे धीरे धीरे। तो ये है बाजार और बस स्टैंड अगली साइड है। तो गाइस, ये आ गई हमारी चाउमीन। मैंने और सुनील ने मंगवाई थी चाउमीन, और इन दोनों ने मंगवाया था थुक्का, तो ये खा रहे थुक्का। गाइस, यहाँ देख सकते हैं आप, ये कमयुत मठ विद्यालय रिवाल सर है, और इसके जो ठीक सामने है यहाँ पर जो सिख धर्म वालों का गुरुद्वारा भी है, और इसके बाद आपको दिखाएंगे ऋषि का टेम्पल जिन्होंने यहाँ पर अपनी तपस्या की। यहाँ फॉरनर भी देख सकते आप। यहाँ पर है महर्षि लोमश ऋषि का टेम्पल। यह है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। ये महात्मा बुद्ध। ये है यहाँ की मार्केट। आज कुछ बंद है क्योंकि आज सैटरडे है, तो जिस कारण आज ज़्यादातर शॉपें खुली नहीं है। मॉडिफाइड नैनो, वाओ, दिमाग ले आए बंदों ने दोस्तों। जिगर द्रुक्पा करिया युद्ध इंस्टीट्यूट, पर नाम नहीं आ रहा गाइस क्या लिखा है। ये है स्कूल यहाँ पर। यहाँ से देख सकते पूरा नज़ारा आप, यहाँ से दिख रहा है। हम और ऊपर जाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे आपको रिवाल सर का पूरा नज़ारा। काफ़ी बड़ा डंगा देख रहे हैं आप लोग इधर। अगर ऐसे खड़ा सिर खड़ा करेंगे तो अगर आपने टोपी पहनी तो नीचे गिर जाएगी। तो दोस्तों, यहां से आप देख सकते पूरा जो नज़ारा है रिवाल सर का, और जो झील यहां की काफ़ी खूबसूरत, यहां की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। और अब मैं यहाँ अपने दोस्तों से पूछूं कि आपको कैसा लगा यहाँ आके। हाँ जी सुनील जी, आप बताएंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, बहुत समय के बाद आते हुए हम ऐसे घूमने के लिए, ऐसे हम प्रश्न ट्राई करते थे, आज पहली बार रिवाल सर आना हुआ है, तो देखते हैं अभी थोड़ी देर और घूमेंगे, फिर उसके बाद बताते हैं आपको कैसा रहा हमारा। हाँ जी राहुल जी, आप बताएंगे कुछ। उत्तम, अति उत्तम, अद्भुत ये नज़ारा है। पूरब जी चलो और ये लगता है अपसेट है, ये बंदा खुश नहीं है। तो गाइज, आप लोगों का दोस्त नीरज, और ये बंदा पूरे नज़ारे लेता है यहाँ का, पूरे रिवाल सर का मतलब दिखता है इसको, पता नहीं कहाँ कहाँ तक इसकी नज़रें जाती है, पहुँचती है, काफ़ी ऊंचाई में। ये देखो कैसे घूर रहा है, पूरे मज़े लेता है ये। हाँ तो नीरज जी, तो आपको कैसा लगा ये नज़ारा, क्या कहना चाहोगे आप इस नज़ारे के बारे में। बहुत ही खूबसूरत, यहाँ की खूबसूरती को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो ये झील है ना नीचे, मतलब वो क्या ही बोले, दिल जीत लेती है, क्योंकि खूबसूरती बहुत ज़्यादा है यहाँ, क्योंकि एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, पेड़ है, और ज़्यादा जनसंख्या भी नहीं है इधर, तो क्लाइमेट भी अच्छा है यहाँ का। और आज का दिन हमने स्पेशल घूमने के लिए निकाला था। वाला भाई
फाइनली गाइज हम उस स्टैचू के पास पहुंच चुके हैं, क्योंकि काफ़ी हाइट में बनाया गया है। यहाँ से पूरे रिवाल सर का नज़ारा दिखता है। यहाँ साइलेंट रहना पड़ता है बिल्कुल, क्योंकि मैं भी बिल्कुल आराम से भूल रहा हूँ। अभी मेरी सांस भी फूली हुई है क्योंकि काफ़ी सारी पौड़ियाँ चढ़ के आया। तो यहाँ से आप नज़ारा ले सकते हैं पूरे रिवाल सर का, पूरे रिवाल सर का व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से। वो आगे आपको सुंदर नगर दिखाई दे रहा है। ये अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं, अंदर भी एक स्टैचू है और दलाई लामा का फोटो भी अंदर देख सकते हैं आप। छोटा सा गार्डन यहाँ का खूबसूरत तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है। तो दोस्तों अभी हम कॉफ़ी पी रहे हैं एप्सम कॉफी, सब लोग बैठा डॉक्टर हमारा बहुत सारी चीजें अभी तक पी चुके हैं। ओ यार कहाँ से जा रहे तुम्हें, काफी खूबसूरत नजारा। बारिश के आने से चुप। तो गाइज हम आ चुके हैं फाइनल डेस्टिनेशन पर, मिनी जू पे आ चुके हम। अब हम देखेंगे यहाँ पर जानवर, कैसे कैसे जानवर रखे हुए हैं इस जू के अंदर। जानवर तो यहाँ ही बहुत सारे, जानवर तो यहाँ भी है दो तीन मेरे साथ। दरिंदे, ये जानवरों की भर्ती में या दरिंदों की भर्ती में आते हैं ये। हालांकि हम आज टिकट काट लिए हैं और अब जाएंगे हम यहाँ जानवरों को, प्यारे प्यारे जानवरों को देखने। मेरे तीन जो दरिंदे हैं वो एडवांस में ही पहुंच चुके इधर। क्या नाम इनका? हेलो, वाह क्या नाम है? हिमालयन स्टैग बोल तो चित्तल। वाह मजा आ रहा देखने। हालांकि कुछ बोलना चाहेंगे आप? आए तो हम जू में हैं जानवर देखने, लेकिन आज की डेट में कुछ एक जानवर हमारे को शहरों में भी मिलने को दिख रहे हैं, जैसे कि ये है यहाँ पर। नहीं ये तो बहुत अच्छे शरीफ इंसान है, लेकिन शरीफ है देखने में जो इनका अंदर का जानवर है ना। नहीं वो ये अच्छे गाइस, सबसे शरीफ तो मैं हूँ यहाँ पे। ना ना तुम किसी भी एंगल से शरीफ। अब हम गाइस आपको दिखाएंगे हम भालू, रीच, हिंदी नाम रीच काला भालू। एक छोटा सा एक अंदर एक ये यहाँ देख सकते हैं आप, एक छोटा सा बच्चा है भालू का। शाही 40 मीटर दूर शाही। यहाँ देखो एक कैसी दीवार बनाई है, ऐसा लग रहा है कि काफी पुराने समय की दीवार है। यहाँ ऊपर देखिए पूरी फैमिली इकट्ठी हुई है एक रेन शेड के अंदर। तो गाइज हम आपको दिखाएंगे एक
बड़ा जैसा भालू, मेजर बियर्स ऑफ इंडिया। मियाँ यहाँ है परे जो है तो वो काफी खतरनाक है। दांत देखो दांत, ओह माय गॉड। यू लाइक योर टॉप ले? हाँ हो रहा, काफी खतरनाक है। तंगी है मतलब, है ना यार इसके लिए मादा ले आओ। तो क्या करना, क्या हो इसको, स्टैचू हो गए लगता, बीमार है बेचारा। और यहाँ भी एक बड़ा जैसा है, क्या है नाम ही नहीं आ रहे, देख रही हूँ तुम भरे। चलो चलो चलो, ये क्या है, ये क्या चीज है? फ्लाइंग ब्यूटी अराउंड मिनी जूरी वाल्सर। क्या दे कलीज फिस्ट क्लिश है, हाँ जी। सुनील जी कैसा लगा आज आपको घूम के रिवाल्सर में? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करो अपना। बहुत ही शांत भरी जगह है, अच्छा लगा घूम के। हालांकि आज हमने बैठे बैठे एक और प्लान बनाया है, जो कि हम आने वाले अगले मंथ में उसको एस्टेब्लिश करने के बारे में सोच रहे हैं। और वो प्लान इतना अच्छा होगा कि आपने सोचा ही नहीं। उसका भी ब्लॉग बनेगा एक तगड़े वाला, कुछ समय के बाद आएगा, एक महीने का वेट करना पड़ेगा उसके लिए। और जो जगह हमने चुनी है वो एक सरप्राइज रहेगा। ठीक है, अब बनाते हैं नेक्स्ट प्लान। नेक्स्ट प्लान तो बहुत तगड़ा बनेगा, नेक्स्ट प्लान तो अभी 3-4 दिनों का बनेगा ऊपर पहाड़ में। ठीक है, ओके, थैंक यू। लेके तू चल निकल आ, क्यों बोलेगा तू, बता आज का दिन कैसा रहा? दिन अच्छा था, बहुत अच्छा था, मजा आया, मजा आया घूम के। बारिश के बारे में कुछ दो शब्द। बारिश अच्छी चली है, अच्छी चली है, बिगड़ने का मजा आ रहा था। और कुछ? और कुछ नहीं, बस बन रहा है, थके थके से लग रहा है। आगे का प्लान बन रहा है, आगे वाला जो प्लान सोच रहा है उसके बारे में घूमने की उसकी तैयारी करेंगे अभी से। खुश हो गए, ओके, फिर से मिलेंगे उस टूर के बाद आपके पास। हां तो नीरज जी, आप यहां पर आपको नया एक्सपीरियंस कैसा लगा, क्या लगा आप यहाँ आके? काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, क्योंकि आज मौसम भी काफी अच्छा था और घूमने के लिए आज काफ़ी अच्छा था, और धूप भी कम ही थी, गर्मी भी थी। और यहाँ आके लगा कि काफ़ी पीसफुल प्लेस है ये, और हमने यहाँ जू में आकर काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी जानवर देखे, और बारिश हो रही है और कुछ नहीं, बस कोई न्यू एक्सपीरियंस जो आपने फील किया हो? एक्सपीरियंस क्या, मेरा मतलब ऐसा कि है कि घूमो फिरो, कभी टाइम निकाल के अगर टाइम लगे तो एंजॉय करना भी जरूरी होता है लाइफ में, तो और एक्सपीरियंस आपके साथ ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये था हमारा आज का दिन का ब्लॉग, जो जिसमें आपको दिखाया कि कैसे हमने रिवाल्सर में आए और कहाँ कहाँ घूमे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, लव यू। तो फाइनली गाइज, हम बस में बैठ चुके हैं क्योंकि हम परेशान हो रहे थे एक घंटे से, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि शायद बस से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इस टाइम शाम के 6 बज चुके हैं और फाइनली शायद लास्ट बस है ये मंडी के लिए। तो हम 4 ही है फिलहाल इस बस में, एक पीछे लेडीज़ बैठी है, 5, तो अभी टाइम लगेगा, पता नहीं कितने बजे जाएगी बस। कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं कुछ विचार रखना चाहेंगे आप तो मेरे दर्शकों के लिए? आपके दर्शकों के लिए सुख भविष्य की, आपके दर्शकों में ऐसा तो बोलो यार, सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। कहना चाहेंगे कि जितने भी देखने वाले हैं अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करें, और जो हमारा अगला ब्लॉग होगा उसका वेट करें, बहुत ही अच्छा ब्लॉग होगा पहाड़ों वाला, मज़ा आएगा आपको भी देखने का। Thank you.
तब तक के लिए बाय गाइज।